1931 में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम वाल्टन रोड पर एलडीए क्वार्टर पार्क और वर्कशॉप स्टॉप पर जलसों का इनका अहले इलाका ने लीगी उम्मीदवार ख्वाजा साद रफी की भरपूर हमायत का ऐलान किया। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफी का कहना था कि इमरान खान आपको लोटों से इतनी मोहब्बत क्यों है, हमने चंदे इकट्ठे करके हुकूमत नहीं की। भीख मांगते हो, हमने 12,000 मेगावाट के लिए चंदा मांगा था, हमने रेलवे ठीक करने के लिए चंदा मांगा था, हमने मोटरवेज बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया था। इस तरह भी कभी मुल्क चलते हैं, कोई जादू से मुल्क चलाना चाहता है, कोई गाली दे के मुल्क चलाना चाहता है, कोई मीठी गोली दे के मुल्क चलाना चाहता है इनमें से, कोई भैंसे बेच के मुल्क चलाना चाहता है, कोई सेकंड हैंड गेड़ गाड़ियां बेच के कहता है मुल्क चलाऊंगा, और चलाओगे क्या, तुमने तो गरीबों को चला दिया। लीगी उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक ने वर्कशॉप स्टॉप पर पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। उनका कहना था कि अवाम इस बार लोटों को रद्द कर देंगे, काम सारे हम करें, यहाँ तो चलने का रास्ता नहीं था, चला नहीं जाता था, काम करे मुस्लिम लीग नून तो वोट लोटों को मिल सकते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया और कहा पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट रात 8 बजे तक मिलने चाहिए, वरना हुकूमत वोट के फैसले को खराब करेगी। कैमरामैन सलमान राजा के साथ मोहम्मद अवैस, लाहौर न्यूज।